आखिर ज्ञानवापी में यह आकृति शिवलिंग है या फवारा? इस बात का पता लगाने के लिए जिन वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल की इजाजत कोर्ट से मांगी गई थी, आज वाराणसी की कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। लेकिन इस फैसले से ना ये जंग खत्म हुई है और ना ही ये विवाद। अब हिंदू पक्ष मामले को लेकर ऊपर की कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये ऑर्डर एरोनियस है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर के बाद 20 मई का ऑर्डर भी पास किया है। 20 मई के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ट्रायल सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ ट्रांसफर किया और ये भी कहा है कि सारी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करने के लिए एम्पावर्ड है। 7-11 की एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी और उसके बाद बाकी एप्लीकेशन डिसाइड की जाएंगी। माननीय न्यायालय ने इस बात को इग्नोर किया, पहली बात। दूसरी बात माननीय न्यायालय ने यह भी इग्नोर किया कि इस मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बात ट्रायल कोर्ट में रेस करिए। अब माननीय न्यायालय कहता है कि हम नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है और 17 मई का ऑर्डर कोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हुए उन चीजों को इग्नोर किया गया है, इसलिए इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हमें पूरा यकीन है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और उस पर एक प्रॉपर ऑर्डर पास करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कथित शिवलिंग मिलने की जगह को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। इसका हवाला देते हुए जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक पद्धति से जांच की मांग खारिज कर दी है। ऐसे में इसे हिंदू पक्ष के लिए झटका माना जा रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष को ऊपर की अदालत से बड़ी उम्मीद है जिसका रुख करने की तैयारी कर ली गई है। शिवलिंग जो होती है पत्थर से बनी होती है और सिंगल पत्थर से बनी होती है, तो क्या वो पत्थर से बना या ईंट से बना, पहला तत्व तो यही है, इसको तो पहले देखा जाना चाहिए। ये जांच होनी चाहिए ना, ये जांच तो होनी चाहिए कि वो पत्थर से बना हुआ है या ईंट का बना हुआ है, तो पहले आना चाहिए। अगर पत्थर से नहीं बना हुआ है तो सवाल ही नहीं होता कि वो शिवलिंग है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो विवाद इस देश में फैला हुआ है, मंदिर मस्जिद, ये सारे विवाद खत्म हो। इस विवाद को खत्म करने के लिए ही हम लोगों ने जांच की मांग किया है, क्योंकि अगर ये जांच हमारे पक्ष में ऑर्डर आता तो एक टर्निंग पॉइंट होता और यहाँ से शिवलिंग और फवारे का विवाद, मंदिर और मस्जिद का विवाद समाप्त हो जाता। इसमें बहुत बड़ा रोल ये जो है जांच के बाद ये तय हो जाता कि फवारा नहीं या ये शिवलिंग है या शिवलिंग नहीं ये फवारा है, तो सारा विवाद यहीं खत्म हो जाता। उधर हिंदू पक्षवादी महिलाएं भी ज्ञानवापी की इस लड़ाई में हार मारने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो अपने अधिकार को यूं ही छोड़ने नहीं वाली है, जंग लंबी चलेगी। आप भी ये मानते हैं कि इस बात की जांच हो जाए कि वो पत्थर से बना है, वो पत्थर का शिवलिंग है या फिर ईंट का बना हुआ है? बना हुआ है, ये तो आ जाना चाहिए, ये जांच होनी चाहिए। हाँ, ये साफ साफ बात है, सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे, कोई भ्रम नहीं रहेगा किसी के बीच में। क्यों भ्रम पाला जाए, क्यों सारे देश को इसमें गुमराह करके रखा जाए। इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हमें पूरा यकीन है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और उस पर एक प्रॉपर ऑर्डर पास करेगा। हम लोग पहले से ही सारी चीजें तैयार है, हम लोग इससे कहीं कोई झटका नहीं, इसको लेना चाहिए, मुकदमा है, हम लोग लड़ रहे हैं। और तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही हवाला दिया है कि उसके तहत बिल्कुल कहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में इसको पुनः चुनौती देंगे ना, इसके जो खारिज इन्होंने किया प्रार्थना, इसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बहरहाल मुस्लिम पक्ष इस फैसले में अपनी जीत देख रहा है, जबकि हिंदू पक्ष इसे झटका मानने से इनकार कर रहा है। अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, जिसकी तैयारियां हिंदू पक्ष ने तेज कर दी है। ज्ञानवापी मामले में जहां वाराणसी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस बात से इनकार किया कि ना तो कार्बन डेटिंग और कोई जांच नहीं हो सकती क्योंकि शिवलिंग से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, तो वह हिंदू पक्ष का मानना है कि 17 मई को दिए गए ऑर्डर के बाद 20 मई के ऑर्डर को न्यायालय ने नहीं देखा है, जिसके अनुरूप ये कहा गया है कि इस मामले को लेकर के किसी भी तरीके की जांच या सुनवाई की जा सकती है। अब इस मामले को लेकर के हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाने को तैयार है और उसका मानना है कि अब सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिलेगी, जहां इस कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके के परीक्षण के जरिए ही वो इस बात को साबित कर पाएंगे कि जो शिवलिंग सर्वेक्षण में मिला है वो कितना पुराना है और उसका आधार कितना मजबूत है। कुमार अभिषेक के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी आज तक।